वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। मॉनसून के नजदीक आते ही मौसम ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसमें बुरी खबर ये है कि ओडिशा और दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों को तूफान के अलर्ट पर रखा गया है। इस तूफान का नाम है फानी। फानी को आप चाहे चक्रवात कह ले या तूफान, फानी पुरी के तटीय इलाकों से टकरा चुका है और वहां 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। इसी के साथ ही भारी बारिश भी हो रही है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए पूर्वी नौसेना के कमान को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। वैसे तो बंगाल की खाड़ी में इस मौसम में काफी सारे तूफान उड़ते रहते हैं, लेकिन फानी इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के पूर्वी तट में चक्रवात आना कोई नई बात नहीं है। बंगाल की खाड़ी में हर साल औसतन 5 से 6 चक्रवात उड़ते रहते हैं। मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल और मई के महीने में और मानसून खत्म होने के बाद अक्टूबर और दिसंबर के महीने में चक्रवात आते रहते हैं, लेकिन मई और अप्रैल में जो चक्रवात आते हैं वे अक्टूबर और दिसंबर में आने वाले चक्रवात की तुलना में कमजोर होते हैं। लेकिन फानी चक्रवात इन सब से थोड़ा अलग है, वो इसलिए क्योंकि ये दूसरे चक्रवातों की तूलना में ज्यादा शक्तिशाली है। ये तूफान एक तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है और दूसरा कि ये जिस रूट से गुजर रहा है वो इसे जमीन तक लेकर जाएगा, जिससे तबाही ज्यादा मचेगी। साल 1891 से अभी तक बंगाल की खाड़ी में करीब 14 चक्रवात आ चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1956 में एक चक्रवात भारत में आया था और बाकी सभी चक्रवातों ने अपना रुख बांग्लादेश या फिर दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरफ कर लिया था। फानी तूफान भारत की तरफ आ रहा है। इसके केंद्र में हवा की गति बेहद तेज है, इसलिए इसे खतरनाक चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 36 घंटे बेहद गंभीर होने वाले हैं। इस दौरान दक्षिण भारतीय इलाकों जैसे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश होने का भी अंदेशा जताया गया है। फानी तूफान के कारण तटीय इलाकों पर बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन सरकार और NDRF की टीम ने इससे निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। खतरे को ध्यान में रखते हुए विशाखापट्टनम और चेन्नई में नौसेना के जहाजों को भी आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रखा गया है। ये जहाज डॉक्टरों, रबर की नावों, खाने पीने की सामग्री, दवाओं और अतिरिक्त कंबलों, अतिरिक्त सहायता सुरक्षा की चीजों से लैस हैं। फानी तूफान को ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ते हुए देखकर सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों की 3 दिन की छुट्टियां रद्द कर दी थी। तटीय इलाकों पर मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तूफान के खतरे को देखते हुए कोलकाता चेन्नई रूट पर 223 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। चक्रवात से प्रभावित लोगों को आश्रय देने के लिए 900 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों गंजम और पुरी से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। फानी तूफान के कारण बनी स्थिति पर PM मोदी ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने और सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। PM मोदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, फानी तूफान के कारण बन रही स्थिति के संबंध में अधिकारियों से बात की है, उनसे एहतियाती कदम उठाने और हर संभव मदद के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही उनसे प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ काम करने की अपील भी की है। हर किसी की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। चलते चलते हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस तूफान को फानी नाम क्यों दिया गया। दरअसल भारत में तूफानों को नाम देने का सिलसिला साल 2004 में शुरू हुआ था। भारत के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 8 देशों ने भी तूफानों को नाम देने का फॉर्मूला शुरू किया। इन देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। इन सभी 8 देशों में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को तूफानों की लिस्ट दी गई है। भारत में तूफान के एक ही नाम को 10 साल तक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी के साथ जो चक्रवात ज्यादा तबाही मचाता है उसके नाम को वापस रिपीट भी नहीं करते। फानी नाम तूफान को इस बार बांग्लादेश के सुझाव पर दिया गया है। सरकार फानी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही
एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूद है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाकर लोगों को जागरूक बनाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com को।